सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने ही वाला है। इस वक्त तस्वीरों में आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर भी आ रहे हैं और खबर है कि राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच चुके हैं इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह से देख रहे हैं। दूसरा मौका है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कमान संभालने वाले हैं। साल 2002 से 2007 तक सीएम रह चुके हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बादनोर राजभवन में सीएम पद की शपथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है। नवजोत सिंह सिद्धू को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2002 में पंजाब की कमान वो संभाल चुके हैं। 2002 से 2007 तक वो महामहिम राज्यपाल पंजाब मिनिस्टर रह चुके हैं। पटियाला सीट से चुनाव उन्होंने जीता है। 2014 लोकसभा चुनाव में अमृतसर से वो जीत चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात की जाए, हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अमृतसर ईस्ट सीट से विधायक वो चुने गए हैं। क्या डिप्टी सीएम बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। और कौन कौन से वो लोग हैं जो कि आज शपथ लेंगे, उनमें मनप्रीत बादल का नाम है, बठिंडा शहर सीट से विधायक चुने गए हैं, उन्हें भी कैप्टन की टीम में जगह मिलेगी। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as my law is established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister for the State of Punjab. And that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or hatred. I am in the same to swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister for the State of Punjab, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. तो दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ले ली है। सीएम पद की शपथ उन्हें राज्यपाल ने दिलाई है और अब उनकी कैबिनेट, उनकी टीम इसके बाद शपथ लेने वाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस को एक बड़ी जीत पंजाब में इस बार मिली है। पांच राज्यों में हुए चुनावों में पंजाब में सबसे ज्यादा सफल कांग्रेस रही है और अब दूसरी बार पंजाब की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। अब एक एक करके टीम कैप्टन अपना शपथ लेकर और
सवाल अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू के रोल को लेकर खड़ा हो रहा है। मैं ब्रह्म महेंद्र सचेत रूप प्रतिज्ञा करता है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखांगा इसकी प्राण प्राकृतिक प्रवृत्ता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज्य के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्य वफादारी शुद्ध अंतरकरण में निभागा पक्ष पात संदेश या दुर्भावना देना सब तरह के लोगों को प्रति संविधान के कानून की अनुसारता ब्रह्म सचे दिनों प्रतिज्ञा करता है कि जो कोई मामला पंजाब राज्य के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मेरे ज्ञात होगा तो किसी व्यक्ति व्यक्तियों स्वयं उसके लिए गृह मंत्री वजो अपने कर्तव्य के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ीदा हो गए मैं सीधे या असिधे तौर से ना दसांगा ना प्रगट करूंगा। छठी बार विधायक चुने गए ब्रह्म महिंद्रा इस वक्त शपथ ले रहे थे। बेअंत सिंह सरकार में उद्योग मंत्री भी वो रह चुके हैं। पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ब्रह्म महिंद्रा, जिन्होंने टीम कैप्टन में जगह बनाई है और शपथ ली है। पटियाला देहात सीट से वो विधायक चुने गए हैं। लगातार छठी बार उन्होंने अपना चुनाव जीता है। श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं बेनती करदा हां कि उस स्टेज ते आके पंजाब मंत्री मंडल दे कैबिनेट मंत्री दे अहुदे ते भेद गुप्त रखण दी सहुं चुक्कण दी कृपालता करन। मैं नवजोत सिंह सिद्धू सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत दे संविधान दे प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत दी प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी शुद्ध अंतरकरण निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों प्रति संविधान और कानून की अनुसारता में न्याय करांगा। मैं नवजोत सिंह सिद्धू सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हां कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसने अजिहे मंत्री अपने कर्तव्य के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ीदा हो सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने शपथ ले ली है। हालांकि क्या जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी ये अभी भी सस्पेंस है। राज्यपाल से हाथ मिलाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने शपथ ली है। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर नहीं, ये एक सवाल बना हुआ है। अमृतसर ईस्ट सीट से जीत कर आए हैं वो चुनाव। बीजेपी में रहते हुए बादल सरकार के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा। अमृतसर सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने शपथ ले ली है। मैं हूं श्री मनप्रीत सिंह बादल जी को बेनती करता हां कि उस स्टेज से आके पंजाब मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के अहुदे ते भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपा करें। Mm-hmm.
मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सोच रखता है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता से अखंडता बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज्य कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्य वफादारी से शुद्ध अंतरण निभावांगा, मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना किसी सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून के अनुसारता न्याय करांगा। मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सोच रखता हाँ कि मैं जो कोई मसला पंजाब राज्य कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार दिन जाना जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्तियां व्यक्ति या व्यक्तियां सिवाय उसके कि ये मंत्री वजो अपने कर्तव्य के ठीक निभाने लिए यह करना लोड़ींदा है मैं सीधे या अच्छे तौर से ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मनप्रीत सिंह बादल जिन्होंने अकाली दल का साथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी और उसके बाद कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, पीपीपी नाम से उनकी पार्टी थी, बादल सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद अकाली दल छोड़कर अलग पार्टी बनाकर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया और मनप्रीत सिंह बादल ने भी शपथ ले ली है। बठिंडा शहरी सीट से विधायक चुने गए हैं मनप्रीत बादल, बादल सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। मैं हूं श्री साधु सिंह धर्मसोत जी को बेनती करता हाँ कि वह स्टेज पे आके पंजाब मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री दे अहुदे ते भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपालता करन जी। मैं साधु सिंह धर्मसोत ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब के राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंत हरकण नाल निभावांगा अते मैं भय जा पक्षपात स्नेह जा दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय रखांगा। मैं साधु सिंह धर्मसोत ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति जा व्यक्तियां नू सिवाय उस दे के अजिहे मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जा असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के सब भरोसेमंद नेता साधु सिंह धर्मसोत ने शपथ ले ली है, पार्टी के बड़े दलित चेहरा है वो, काफी भरोसेमंद है कैप्टन अमरिंदर सिंह के। केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी उनकी पैठ है, चौथी बार विधायक चुने गए हैं साधु सिंह धर्मसोत जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है। मैं हूं श्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी को बेनती करता हाँ कि वह स्टेज पे आके पंजाब मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के अहुदे अते भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपालता करें जी। कृपालता करें मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के अहुदे अते भेद गुप्त रखने की सहु चुकन की कृपालता करें जी। कृपालता करें जी।
सिंह बाजवा ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री जो अपने कर्तव्यों को वफादारी अंतेकरण नाल निभावांगा अते मैं भै जां पखपात स्नेहा जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा तो मैं ज्ञात हो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाए उस अजिहा मंत्री वजो अपने कर्तव्यों में ठीक दबाने अजिहा करना चाहता हो तृप्त अजिंदर सिंह बाजवा ने भी शपथ ले ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम का वो भी हिस्सा होंगे। अमरिंदर सरकार का शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी टीम अब एक एक करके शपथ ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शपथ ले ली है, हालांकि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये अभी साफ नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें आरोप रहे होंगे फौरन हाजिर।